चंद्रयान के पता लगावे गई हो।
俺也不听他什么事家大家这事儿都是的马上我们就进来这儿吧来来家里面这怎么着是不是हम लोग काफी दूर निकलते हैं और राजभाषा ये स्थान मुझे बहुत अच्छा लगा है मैं आपके
जल कर किसानों के साथ हमें और आपको रात माता आज मेरी तबीयत कुछ खराब है, जाओ जाओ कल जी को बुला के ले आओ। ठीक है सरदार जी, आप अभी लगा कल जी को बुला के ले आओ। बहुत जल्द जाओ। मासूम बच्ची, तुम्हें तो राज दरबार में पढ़ना था, लेकिन तू मैं तुझे बचाने के लिए अपने घर लेकर चला गया। ठीक है, पहले मैं तेरी मराम पट्टी करता हूँ, उसके बाद मैं आगे सोचता हूँ। सुनिए मेरी बात, मुझे टाइम का टाइम नहीं है, इस बच्चे की मरहम पट्टी करना है और सुबह होने वाली है। चलो कल आना, मैं चलूंगा। कल नहीं, इसी वक्त इसी समय आपको मेरे साथ चलना होगा, वरना वरना क्या? अरे रात होने वाली है भाई, अब मैं कहां जाऊंगा? मेरे पास एक बच्चा है, आप बच्चे की चिंता मत कीजिए और अपनी भी चिंता मत कीजिए, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मेरे सरदार जी बहुत बीमार हैं, इसलिए आपको इसी वक्त चलना होगा, और नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे तो कुछ कोई नहीं होगा। अगर ये बात है तो चलो मैं अभी जाता हूँ। आपकी मैं मरहम पट्टी कर दे रहा हूँ। एक से बांध दे करती है पट्टी नहीं पट्टी। दादी मैंने घाव को साफ करके मरहम पट्टी कर दिया, अब आप दवा खा करके आराम करें और मैं आराम आराम तो हमें तब आता है जब हम घोड़े की पीठ पर होते हैं, एक हाथ में आराम और दूसरी हाथ में तलवार। और आप अब यहां से नहीं जाएंगे क्योंकि आप हमारे रास्ते और हमारा स्थान देख लिया है, अब आपको यही रहना होगा। अरे नहीं दादा, हम अकेले थोड़ी हैं, मुझे किसी की अमानत सौंपी गई है, वो मेरे गोद में एक बच्चा है, मैं अकेला नहीं हूं। वैद्यराज जी। हाँ दादा जी। तो अपनी अमानत हमें सौंप दो, हम आपकी अमानत पर आज नहीं आने देंगे, उसे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। ठीक है, तब तो इससे अच्छी जगह कहां मिलेगी। ठीक है सरदार जी, संभालो।
साथी सेरा साथी सेरा बच्चे जी को वह बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सदा जी बच्चे को वह बच्चे जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है ठीक है, अब मैं इस बच्चे को लेकर के सरदार के साथ ऐसी जगह रहूंगा तो ये बच्चा एक दिन होशियार बनेगा और ये अपने बाप का बदला लेगा। बताते हैं महामंत्री की जय हो। महामंत्री जी हम सिपाहियों के साथ इस इलाके का चप्पा चप्पा छान डाला लेकिन महारानी तथा राजकुमार की कोई पता नहीं चल रही। तुम ये क्या कह रहे हो? तब तो बहुत अफसोस की बात है। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? ये उचित स्थान है क्योंकि मंदिर बना हुआ है और आज क्या कहीं पर रुकते हैं तुम्हें ये काम तुम्हें चलेंगे लेकिन राज माता शाम के साथ कर रहे हैं आकर करिए मैं आज मार्ग को लेकर जा रहा हूँ तब आप सबकी मदद कर अभी इसके हाथ में चक मेरा माता मैं पहुंच कर रहा हूँ। ठीक है मंत्री जी जल्दी आइएगा क्योंकि चिंता नहीं है। भगवान मुसीबत
ये बात तो वाकई में भयानक लग रही है। आओ मंत्र के पास पास दिखाए चलिए। खतरा है अब मैं कहां जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपन अरे सहारा इसे दीजिए जी।
कुमार को लेकर मैं यहाँ से काफी दूर निकल जाऊंगा ताकि दुश्मनों की परेशानी राजकुमार तक न पहुंचे। मेरी मदद करना, मेरी मदद करना।